हेलो फ्रेंड्स आई एम डॉक्टर दिशांत एंड इन माय सीरीज ऑफ लेक्चर आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन सिस्टम तो टुडे वी डिस्कस अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट थ्री तो चलिए देखते हैं पहला अपना जो पॉइंट आ रहा है वो है मैकेनिक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग मतलब जो ब्रीदिंग होती है कि क्या मैकेनिज्म रहती है ठीक है तो पहला लिखा है इट इंक्लूड्स टू स्टेजेस फर्स्ट इंस्पिरेशन और सेकेंड एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेशन क्या होती है एकदम ईजी लैंग्वेज में बोलूँ तो इंस्पिरेशन का मतलब होता है जो ऑक्सीजनेटेड एयर होती है उसको एटमोसफियर से खींच करके अपने लंग तक लाना ठीक है उसको इंस्पिरेशन बोलते हैं और एक्सपिरेशन का मतलब होता है जो अपनी लंग्स तक जो सीओ टू वाली यानी डी ऑक्सीजनेटेड एयर है उसको लंग्स से निकाल करके एनवायरमेंट में डालना वो एक्सपीरेशन है तो देखो इंस्पिरेशन लिखा हुआ है इट इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस बाय विच इनफ्लो और इनहेलेशन ऑफ का मतलब क्या है ऑक्सीजनेटेड एयर ऑक्सीजनेटेड एयर और ऑक्सीजनेटेड एयर का मतलब क्या है ऐसी ऐसी एयर जिसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सी टू के रेस्पेक्ट में क्या हो ज्यादा एक्सपीरेशन yeah? इंस्पिरेशन का जस्ट उल्टा है देखा हुआ है इट इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस बाई विच फॉल एयर यानी कंटेनिंग इज आउट ऑफ द लंग्स इट इज आउट फ्लो और एक्सलेशन ऑफ एयर यानी यहाँ पे क्या होगा uh, जो फॉल एयर का मतलब क्या है डी ऑक्सीजनेटेड डी ऑक्सीजेड यानी पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी CO2 की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी क्लियर नेक्स्ट अपन देखते हैं लिखा है द मूवमेंट ऑफ एयर इन टू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर यस आपको पता होगा कि एयर हमेशा फ्लो अंडर प्रेशर डिफरेंस ही करती है मतलब जहां पे प्रेशर डिफरेंस होगा है ना उसी में एयर क्या करेगी फ्लो करेगी अभी बताऊंगा कैसे आ, लिखा हुआ है प्रेशर ग्रेडियंट इज द प्रेशर डिफरेंस विच क्रिएट्स द फ्लो ऑफ गैसेस फ्रॉम देयर हायर प्रेशर रीजन टू देयर लोअर प्रेशर रीजन यस ये आपको ध्यान रखना है एयर का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ ठीक है ना एयर का फ्लो होता है ये एयर फ्लो की डायरेक्शन है जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज बताता हूं जैसे आप बैलून को फुलाते हो ठीक है ना तो उस समय क्या होता है बैलून के अंदर एयर प्रेशर क्या होता है कम होता है और अपन जो मुंह से हवा भरते हैं उसके अंदर तो मुंह के अंदर अपना एयर का प्रेशर ज्यादा होता है तो एयर जो होती है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर यानी अपने माउथ से उस बैलून के अंदर एंटर करती है ठीक है और तब तक एंटर करेगी जब तक दोनों प्रेशर इक्वल ना हो जाए समझिए तो इस तरीके से एयर का फ्लो होता है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर क्लियर अच्छा प्रेशर जो होता है एक चीज़ यहाँ पर मैं बता देता हूँ प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है समझ गए यानी जितना कम वॉल्यूम और उसके अंदर मान लो कोई गैस ट्रैप है तो उसका प्रेशर क्या होगा ज़्यादा होगा यानी वॉल्यूम कम है तो प्रेशर क्या होगा ज़्यादा होगा लेकिन यदि अपन वॉल्यूम बढ़ा दें और उतना ही गैस उसमें रखें ठीक है ना एयर या गैस कुछ भी आप बात करो तो वहां पे वॉल्यूम बढ़ने के साथ में क्या होता है प्रेशर कम हो जाता है तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ये रिलेशन होता है ये आपको ध्यान रखना ठीक है नेक्स्ट लिखा है फॉर एग्जाम्पल प्रेशर ऑफ ओटू इन द एटमोस्फेयर एयर इज हायर देन द एलवलाई तो ओटू डिफ्यूजेज फ्रॉम एटमोस्फेयरिक एयर टू द एलवलाई यस यदि अपन ब्रीदिंग कर रहे हैं तो अपने को पता है एयर के एटमोसफेयर के अंदर एटमोसफियर के अंदर ओटू ज्यादा है ठीक है और अपनी बॉडी के अंदर अपनी बॉडी के अंदर ओटू क्या है कम है तो ओटू कहाँ ज्यादा है एटमोस्फियर में ज्यादा है बॉडी मतलब लंग्स या एलोलाई के अंदर ओटू क्या है कम है तो ऑक्सीजन अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में अपने यूं कह सकते हैं हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में एंटर करेगी तो ऑक्सीजन फ्लो की डायरेक्शन ये वाली रहेगी क्लियर नेक्स्ट अपन देखते हैं पहला जो आ रहा है इंस्पिरेशन तो अब अपने को अपन ये चीज़ आपने फील किया होगा जब अपन सांस लेते हैं तो अपन सांस एफर्ट लगाते हैं सांस लेने में एफर्ट लगाते हैं मतलब सांस को खींचते हैं अंदर ठीक है ना तो जो इंस्पिरेशन वाली प्रोसेस है वो कैसे होती है कैसे अपन सांस को खींचते हैं कैसे एयर अपने एटमोस्फियर से अपने लंग के अंदर एंटर करती है वो देखते हैं तो इंस्पिरेशन के लिए क्या होता है आ, कुछ मसल्स होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसमें तो से दो मसल की मैं बात कर रहा हूँ एक होता है डायफ्राम की मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ठीक है ना इसकी मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ठीक है अब ये मसल्स कौन सी होती है डायफ्राम की और एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल या इंटरकोस्टल मसल जो है वो क्या होती है तो आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर जा करके उसको अच्छे से पढ़ लेना है वो मैंने पहले बता चुका हूँ ठीक है द प्रेशर विद इन द लंग्स इज मेड लेस देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर सो दैट एयर कैन फ्लो टू lungs. ठीक so uh, है तो एक चीज़ तो है यदि बाहर की एयर को इस लंग के अंदर जाना है तो एक कंडीशन बनानी पड़ेगी कि मतलब बाहर के एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसका प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और लंग के अंदर जो एयर है उसकी वजह से प्रेशर कम होना चाहिए तभी क्या होगा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ क्या होगा एयर का मूवमेंट होगा क्लियर तो यहाँ पे अपन ये प्रेशर डिफरेंस कैसे जनरेट कर सकते हैं तो अपन अपने लंग के अंदर प्रेशर को कम कैसे कर सकते हैं वो एक तरीका है अपन इस जो ये कैविटी है ठीक है ना या ये लंग का जो वॉल्यूम है उसको बढ़ा करके कैसे ही करके यदि अपन लंग का वॉल्यूम बढ़ा दें तो प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इनवर्सली रिलेशनशिप होता है ठीक है तो यदि मैं यहाँ पे मुझे प्रेशर कम करना है तो मुझे इस कैविटी का या इस लंग का क्या करना पड़ेगा लंग का जो स्पेस है या जो लंग का वॉल्यूम है उसको क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा कैसे ही करके ठीक है और वो बढ़ेगा कैसे वो बढ़ेगा डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की हेल्प से ठीक है तो कैसे होता है देखो तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं रोल ऑफ डायफ्राम इन इंस्पिरेशन तो अपन ने दो मसल की बात की थी एक डायफ्राम वाली मसल और एक एक्सटर्नल इंटरपोस्टर मसल की तो सबसे पहले अपन डायफ्राम की वजह से कैसे वॉल्यूम बढ़ता है वो देखते हैं तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ देन उसके बाद में आप आ, इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा तो होता क्या है कि आपने मैंने आपको जब थॉरक्स कैविटी बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि जो थॉरक्स कैविटी होती है उसके आगे की साइड में जो वेंटर साइड होती है वहां पर स्टर्नम बोन प्रेजेंट होती है ठीक है पीछे की तरफ यानी बैक साइड में क्या होती है रिब्स प्रेजेंट होती है ठीक है ना तो यहाँ पे देखो ये जो साइड है ये वाली येलो वाली साइड ये कौन सी स्टनम बोन वाली साइड है ये स्टनम है ठीक है पीछे की तरफ जो साइड दिख रही है अपन साइड 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 सॉरी डोर्सल बोलते हैं ये वेंटर है और ये डोर्सल साइड है तो जो पीछे वाली साइड है डोर्सल साइड है वहां पे अपने को क्या देखने को मिल रहा है कॉलम बैक बोन देखने को मिल रही है क्लियर और साइड मतलब जो लेटर साइड्स होती है वो कौन बनाती है वो बनाती है रिप्स क्लियर और नीचे की तरफ क्या होता है डायफ्राम प्रेजेंट होता है और ऊपर की तरफ क्या होती है नेक प्रेजेंट होती है तो ये जो रिब केज होता है ना उसके चारों तरफ मसल्स की कवर मसल्स से ये रिब केज कवर रहता है और वो मसल्स कौन सी होती है इंटरकोस्टल मसल और नीचे की तरफ कौन सी मसल्स होती है डायफ्राम वाली मसल्स और ये मसल्स मतलब इंटरकोस्टल मसल्स और ये डायफ्राम की मसल मिलकर के फ्लैस् कैविटी को टाइट बना देती है क्लियर अब एक चीज समझो चीज ये समझना है कि आ, अपनी जो डायफ्राम की मसल होती है जैसे ये डायफ्राम वाली मसल आपको यहाँ पे दिख रही है ये वाली डायफ्राम वाली मसल ठीक है ये आप ऊपर यानी अपर व्यू से देखो ऊपर वाले व्यू से देखो आप तो आपको ये कुछ ऐसी डॉम शेप टाइप की दिखाई देगी तो शेप कुछ ऊपर से देखने पर कुछ ऐसा दिखाई देता है ठीक है यानी इसका एक सेंटर होगा बीच में और इससे न फा, मसल फाइबर जो होंगे वो इस तरीके से लगे हुए रहेंगे इस डायरेक्शन डायफ्राम की मसल को फ्रेनिक मसल्स बोलते हैं और आपको पता है मसल के अंदर उसके मसल फाइबर्स होते हैं और मसल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ही मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है ठीक है तो अब यहाँ पे ऊपर अपर व्यू से देखने पे अपने को पता चलता है कि डायफ्राम की मसल कुछ इस तरीके से होती है डॉमशिप ठीक है अब साइड से देखोगे तो कैसे दिखाई देगी ऐसी दिखाई देगी साइड से देखोगे तो इस तरीके से ये साइड व्यू है अपर व्यू ऐसे मतलब इसको यहाँ से देखोगे ना आप तो आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी तो होता क्या है जब डायफ्राम का ये सेंटर पोर्शन मतलब ये वाला पोर्शन की बात कर रहा हूँ और यहाँ से मसल्स फाइबर मतलब पैरीफ्री से निकल करके कहाँ आ रहे सेंटर की तरफ आ रहे हैं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे तो मैं कलर चेंज करता हूँ और आपको बताने के लिए ये देखो अब जब डायफ्राम की मसल्स नॉर्मल कंडीशन में डायफ्राम ऐसा रहता है ठीक है ना ऐसे कर्व फॉर्म में रहता है डॉम शेप रहता है लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये सेंटर हो गया और ये मसल्स की पेरीफ्री होगी और इन पेरीफ्री को सेंटर से कौन कनेक्ट कर रहा है ये मसल फाइबर कनेक्ट कर रहे हैं जैसे ही मसल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन होगा ठीक है ना तो कॉन्ट्रैक्शन ऐसे होगा इस डायरेक्शन होगा मतलब पेरीफ्री से पेरीफ्री से सेंटर की तरफ कॉन्ट्रैक्शन ठीक है तो कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही होगा तो ये जो मसल फाइबर की लेंथ है वो शॉर्ट होगी और शॉर्ट होगी तो क्या होगा ये जो डॉम्प शेप स्ट्रक्चर है वो फ्लैट हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी फ्लैट हो जाएगी देखो कैसे फ्लैट होगी देखो ये इस तरीके से फ्लैट हो जाएगी तो आप कैसे समझ सकते हो जैसे आप ऐसे समझ लो कि यहाँ एक बंदा खड़ा है सेंटर पे ठीक है एक बंदा खड़ा है और पैरी से रस्सी निकल करके उस बंदे के हाथ में है पैरी से रस्सी निकल कर के बंदे के हाथ में है अब बंदा जब रस्सी खींचता है अपनी तरफ अपनी तरफ रस्सी खींचता है तो क्या होगा ये वाली और ये वाली जो यहाँ का जो पोर्शन है वो ऊपर की तरफ उठेगा और जब ऊपर की तरफ उठेगा तो कंडीशन कैसे देखने को मिलेगी जैसे ये बंदा खड़ा है यहाँ पे और इसने रस्सी को एकदम खींच लिया यहाँ से ठीक है तो अभी ये जो है तो मसल का बैंड वो क्या हो जाएगा स्ट्रेट हो जाएगा ना फ्लैट हो जाएगा तो यही चीज आपको समझनी है डायफ्राम में भी यही होता है जब डायफ्राम की मसल फाइबर में या मसल में कॉन्ट्रेक्शन होता है मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, मतलब मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो सेंटर की तरफ क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट होता है इनको बोलते हैं रेडियल मसल फाइबर जो इस तरीके से अरेंज हो रेडियली अरेंज हो क्लियर जब रेडियल मसल फाइबर के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है तो जो पहले डॉम शेप का जो यूं कह सकते हैं इस तरीके का जो साइड व्यू में अपने को डायफ्राम दिख रहा था मसल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन की वजह से वो फ्लैट हो जाता है इस स्त्री अब बात समझ आ रही होगी फ्लैट क्यों होता है क्योंकि जब आ, सेंटर में मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहां पे रेडियल फाइबर शॉर्ट होता है तो जो पेरीफ्री है वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है ठीक है ना इस डायग्राम की हाथ से आप देख लो कॉन्ट्रैक्ट और इसी तरीके से वापस से रिलैक्स होता है तो तो वापस से डॉम शेप हो जाता है क्लियर तो ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखनी है कि जो रेडियल मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो पेरी से सेंटर से की तरफ या सेंटर से पेरी की तरफ होता है जब सेंटर की तरफ कॉन्ट्रैक्शन होता है तो डायफ्राम डॉम शेप से फ्लैट शेप में आ जाता है और जब रिलैक्सेशन होता है तो वापिस शेप, शेप में आ जाता है क्लियर तो अपने को क्या करना है डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है तो जैसे ही डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा ठीक है ना ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा ठीक है तो फ्लैट होगा तो क्या होगा जैसे ही फ्लैट होगा तो एक चीज होगी कि इस डायफ्राम के फ्लैट होने की वजह से यहां पे जो रिप्स और स्टनम ठीक है ना रिप्स और स्टनम है और पीछे की तरफ ये जो वर्टिब्री कॉलम है तो वर्टिब्री कॉलम तो फिक्स रहता है लेकिन क्या हो सकता है रिप्स और स्टनम जो है वो मूव कर सकती है तो जैसे ही डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता होता है यानी फ्लैट होता है तो उस केस के अंदर रिप्स और स्टनम क्या करती है ऊपर की तरफ उठती है ठीक है तो यहाँ पे देखो अपवर डायरेक्शन में ऐसे एरो दिए हुए हैं ऊपर की डायरेक्शन में तो उस तरीके से क्या होता है कि रिप्स uh, और स्टर्नम क्या होते हैं फैलते हैं और ऊपर की तरफ उड़ते हैं तो उस केस में जो ये अपनी थोरेसिक कैविटी होती है वो भी क्या होती है फैलती है और उसकी डायरेक्शन क्या रहती है उसकी डायरेक्शन रहती है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पे वो किस तरीके से फैलती है वो फैलती है डोरसो दो, वेंट्रल वॉल्यूम में फैलती है वेंट्रल में आप आ, कैसे समझोगे मतलब आप यूं समझ लो कि आ, बोन तो बैक बोन तो फिक्स रहेगी लेकिन होगा क्या डायफ्राम की मसल में कॉन्ट्रेक्शन की वजह से रिब केस ऊपर की तरफ उठ जाएगा ठीक है रिब केस ऊपर की तरफ उठेगा अच्छा रिब केस ऊपर की तरफ उठेगा तो जो आ, रिब केस का वॉल्यूम है वो बढ़ेगा ठीक है और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मैंने बोला था कि जो थोरेसिक कैविटी होती है वो एक एयर टाइट कैविटी है तो जो चेंजेस थोरेसिक कैविटी के अंदर होगा वैसा का वैसा चेंजेस किसके अंदर रिफ्लेक्ट होगा लंग्स के अंदर होगा यदि थोरेसिक कैविटी फैल रही है उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो अंदर प्रेजेंट लंग uh, का वॉल्यूम भी क्या होगा बढ़ेगा ठीक है ना और लंग का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा

क्योंकि दोनों साथ में काम करते हैं यहाँ पे मैं डायफ्राम का रोल बता रहा हूँ आगे इंटरकोस्टर मसल का काम बताऊंगा तो दोनों में फिनोमिना सेम है ठीक है लेकिन यहाँ पे अलग अलग मैंने बता दिया क्लियर हो गया तो अब यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं कि लिखा हुआ है द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल फाइबर ऑफ डायफ्राम कोजेस इट टू बिकम फ्लैट एंड लोअर डाउन देयर बाई इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कैविटी इन एंटीरियो एक्सिस एंटीरियर इस तरीके से फैल जाएगा इस तरीके से चौड़ा हो जाएगा चौड़ी हो जाएगी ठीक है तो जैसे ही एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पे ये थोरेसिक कैिटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लिखा हुआ है इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेक्सिकविटी लीड्स टू सिमिलर इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी पल्मोनरी कैविटी का मतलब पता है आपको पल्मोनरी कैविटी का मतलब है जो है जो लंग्स उसमें स्पेस जो होता है यानी लंग की बात कर रहा है लंग की कैविटी की बात कर रहा है ठीक है ये क्यों बढ़ती है थोरेसिक कैविटी बढ़ने के साथ में पल्मोनरी कैविटी क्यों बढ़ती है क्योंकि जो, जो थोरेसिक कैविटी होती है वो एक एयर टाइट कैविटी होती है उसके अंदर कोई एयर नहीं आती है कहीं से वो एकदम पैक कैविटी है और उसके अंदर जो फैलेगी मतलब थोड़ेसी कैविटी फैलेगी तो उसके साथ में पल्मोनरी कैविटी भी फैलेगी यदि थॉरेसी कैविटी पिचकेगी तो पल्मोनरी कैविटी भी पिचकेगी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कैविटी एयर टाइट कैविटी है थोड़ेसी कैविटी में जो चीज होती है वो सेम टू सेम पल्मोनरी कैविटी में रिफ्लेक्ट होती है तो जब पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कॉजेज डिक्रीज इन प्रेशर विद इन द पल्मोनरी कैविटीज ठीक है एज वी नो द प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बता चुका हूँ एयर एंटर फ्रॉम एटमोस्फियर टू द लंग एज इट मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर यस इस वॉल्यूम बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम हो जाएगा तो बाहर प्रेशर ज्यादा है बाहर प्रेशर ज़्यादा है अंदर प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ चुका है और बाहर से एयर अंदर की तरफ आ जाएगी मतलब अंदर ऑक्सीजनेटेड एयर एंटर कर जाएगी क्लियर नेक्स्ट एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का रोल क्या है तो अभी मैंने डायफ्राम का बताया अब मैं बता रहा हूँ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल मसल के बारे में तो सेम टू सेम वैसा ही है कि जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यानी जो रिप्स के बीच में प्रेजेंट होती है उसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये रिप्स और स्टर्नम जो है वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है जिसकी वजह से वैसे ही जो मतलब एंटीरियो और जो डोस जो था ठीक है वो बढ़ जाता है वॉल्यूम और कैविटी बढ़ जाती है थोड़ी सी कैटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है और सेम टू सेम यहाँ पे क्या होता है लंग का वॉल्यूम बढ़ जाता है और लंग का वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम हो जाता है और एयर एंटर कर जाती है तो सेम टू सेम यही चीज़ लिखी हुई है तो बस डायफ्राम की जगह इंटरकोस्ट एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है तो पढ़ लेते हैं लिखा है आ, दीज मसल्स आर प्रजेंट बिटवीन द रिब्स रिब्स के बीच में होता है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ दीज मसल्स लिफ्ट रिब्स एंड स्टनम अप एंड आउटवर्ड कोजिंग एंड इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थॉरेसिक कैटी इन द डोर्स वेंट्रल एक्सिस डोरसो वेंट्रल एक्सिस के अंदर क्या होता है इंक्रीज हो जाती है मतलब इस तरीके से कैटी इंक्रीज होगी दैट इज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन

जब अपन सांस लेते हैं ठीक है ना अंदर की तरफ सांस खींचते हैं तो उसमें एफर्ट लगता है ठीक है तो जब अपने को एफर्ट लगता है मतलब वहां पे क्या एनर्जी बर्न हो रही है तो होता यह है कि जब अपन सांस लेते हैं तो उस केस में ए खर्च होती है ठीक है एनर्जी अपनी जो एनर्जी बॉडी की ए के फॉर्म में स्टोर स्टोर है वो खर्च होती है और ए खर्च क्यों होती है क्योंकि जो, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ठीक है एक्सटर्नल इंटरकोस्टर मसल जो है उसको एक तो कॉन्ट्रैक्ट करवाना है और साथ में डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है इन दोनों को क्या कराना है कॉन्ट्रैक्ट करवाना है इनमें कॉन्ट्रैक्शन करवाना है तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए अपने को क्या चाहिए एनर्जी चाहिए तो जैसे ही एटीपी आती है तो ईआईसीएम यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम इन दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रेक्शन की वजह से क्या होता है डायफ्राम डोम शेप से फ्लैट हो जाता है एक तो ये चीज होती है और दूसरा ई में क्या होता है कॉन्ट्रेक्शन की वजह से जो इंटरकोस्टर मसल है ठीक है ना वो क्या कर देती है इन दोनों मसल की वजह से दोनों में कॉन्ट्रेक्शन की वजह से एक तो डायफ्राम फ्लैट हो रहा है तो ये वाला वॉल्यूम बढ़ जाएगा यहाँ पे ठीक है एक डोम शेप में होता तो वो इतना वॉल्यूम कवर किया हो रहता और एक ऐसे फ्लैट होने पर इतना वॉल्यूम बढ़ जाता है

और उनमें जब कॉन्ट्रेक्शन होता है तो कैविटी क्या होती है वॉल्यूम बढ़ा लेती है और जब थॉरेसी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है तो वैसा का वैसे चेंजेस लंग के अंदर देखने को मिलता है और लंग के अंदर क्या होता है वॉल्यूम बढ़ जाता है और लंग के अंदर वॉल्यूम बढ़ने पर प्रेशर कम हो जाता है और बाहर प्रेशर ज्यादा एयर का अंदर कम है तो एयर बाहर से अंदर आ जाती है जो कि ऑक्सीजनेटेड एयर हो क्लियर तो ये आपका होगा इंस्पिरेशन अब अपन बात करते हैं अब रूट कौन सा होता है इंस्पिरेशन के अंदर रूट कौन सा होता है तो देखो एक्सटर्नल से, यहां से एंटर करती है ठीक तो है फेरिंग्स के बाद आता है लेरिंग्स आता है लेरिंग्स के बाद में ट्रेकिया आता है ठीक है, है और ट्रेकिया से फिर वो, वो ब्रोंकाई और ब्रोंकस आपने देखा होगा तो ब्रोंकाई दो लंग्स में चली जाती है ये साइड व्यू है तो अपने को यहाँ बाहर वाला लंग्स दिखाई दे रहा है फिर वहां से वो जो बाईफर्केट होती है तो हर एक लंग में क्या होती है ब्रांचिंग होती है तो ब्रोंकिस बनते हैं और लास्ट में वो ब्रॉक्योस में जाते हैं एल्योलाई में जाते हैं तो ये क्या रहता है एक पाथ रहता है से लेकर के और एल्योलाई तक क्लियर अब आप इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता सकता हूँ देखो ये आगे की तरफ जो चीज़ दिख रही है ना ये स्टर्नम है ठीक है और ये पीछे की तरफ आपको दिख रही है बैकबोन है क्लियर और ये यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना ये डायफ्राम है और ये जो ब्लू ब्लू है वो लंग है ये पीछे वाली जो सरफेस होती है ना इस सरफेस को अपन बोलते हैं सरफेस सरफेस ठीक है दोसल सर्फेस। दोसल सर्फेस। और आगे वाली जो होती है ना ये वाली इसको बोलते हैं वेंट्रल वेंट्रल सरफेस और ये जो साइड में जो दिख रही है ना इसको बोल रहे हैं लेट्रल सरफेस ठीक है तो आप न, ध्यान रख सकते हो यदि आपको याद नहीं रहता कौन सी डोसल है और कौन सी वेंट्रल है तो एक अपन बोलते हैं मारवाड़ी में डुक्का डुक्का मारना ठीक है ना डुक्का मारना तो डुक्का कहाँ मारते हैं पीछे बैक पे मारते हैं तो डी फोर डुक्का और डी फोर डोरसो साइड और डोरसो साइड कौन सी होती है बैक, ना? तो बैक है ना तो डुक्का अपन बैक पे मारते हैं ना तो डोरसल तो डी से डी मैच कर लेना आपको पता चल जाएगा क्लियर तो ये रूट हो गया इंस्पिरेशन का नेक्स्ट अपन देखते हैं एक्सपीरेशन तो एक्सपीरेशन या एक्सपायरेशन कैसा होता है लिखा है इट इज द मूविंग ऑफ एयर आउट ऑफ लंग इफ द प्रेशर विद इन द लंग इज मोर देन द प्रेशर ठीक है यदि लंग के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है ठीक है ना एटमोस्फियर Atmos, से ज्यादा ठीक है ना तो लंग के अंदर प्रेशर ज्यादा एटमोस्फियर में प्रेशर कम तो एयर जो है वो लंग से निकल करके एटमोसफियर में चली जाएगी उसी को अपन क्या बोलते हैं एक्सपीरेशन लिखा है रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिटर्न द द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देर नॉर्मल थोरेसिक वॉल्यूम एंड देयर वाई पल्मोनरी वॉल्यूम तो सीधी सी बात है जब डायफ्राम जो पहले कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो पहले कॉन्ट्रैक्ट हो रखी थी इंस्पिरेशन के टाइम अब वो जब रिलैक्स हो जाएगी तो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी अब नॉर्मल पोजीशन में आएगी तो वापस से जो थोड़ेसी कैविटी का वॉल्यूम है वो रिड्यूस होगा थोड़ेसी कैविटी रिड्यूस होगी तो पल्मोनरी कैविटी है वो भी रिड्यूस होगी पल्मोनरी कैविटी रिड्यूस होगी तो पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम कम होगा वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर हाई होगा और प्रेशर एटमोसफियर से हाई होने पर मतलब लंग यानी पल्मोनरी कैविटी में जो प्रेशर है वो एटमोसफेयर में जो प्रेशर है उससे ज़्यादा हो जाता है और एयर जो होता है वो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर यानी लंग से निकल करके एटमोसफियर में चली जाती है क्लियर तो वही चीज आगे लिखी हुई है सेम टू सेम ठीक है तो एक चीज आपको ध्यान रखना है जब इंस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है ठीक है तो uh, क्या होती है uh, लिखा हुआ है द रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स फाइबर ऑफ डायफ्राम कोजेज इट टू कम्स इन नॉर्मल पोजिशन अच्छा डायफ्राम के साथ में एक्सटर्नल इंटरको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का भी आप साथ साथ में, में समझ लो डायफ्राम रिलैक्स होता है तो इसके साथ में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स होती है अब एक चीज ध्यान रखना कॉन्ट्रैक्शन में मसल के कॉन्ट्रेक्शन में तो एनर्जी यूज आती है लेकिन रिलैक्सेशन के अंदर एनर्जी यूज नहीं आती है जब पूरी एनर्जी खर्च हो जाती है तो वापस से वो जो मसल है अपनी नॉर्मल पोजिशन में आती है यानी रिलैक्स होती है तो जो इंस्पीरेशन वाली प्रोसेस होती है उसमें एफर्ट लगता है उसमें एनर्जी लगती है लेकिन जो एक्सपीरिएशन वाली प्रोसेस होती है उसके अंदर ए खर्च नहीं होती है वो पैसिव प्रोसेस होता है समझ लेना ठीक है तो डायफ्राम कॉजेज इट टू कम्स इन नॉर्मल पोजिशन विच रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द थॉरेसिक कैविटी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो क्या होगा डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ कैविटी लीड्स टू सिमिलर डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी जेज इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ कलोनरी एक्सपर्शन ऑफ एयर फ्रॉम हायर प्रेशर इन लंग टू लोअर प्रेशर इन एटमोसफियर क्लियर तो क्या होगा जब ये डायफ्राम रिलैक्स होगा तो वापिस से डॉमशेप का होगा पहले ऐसा था फ्लैट हो गया था तो ये जो इतना वॉल्यूम जो था वो बढ़ गया था अब वापिस से रिलैक्स हो गया है तो अपनी नॉर्मल पोजिशन में मतलब डॉम शेप का हो गया है तो ये इतना वॉल्यूम क्या हो गया कम हो गया एक तो ये चीज होगी देन उसके बाद में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के रिलैक्स होने की वजह से वापस से रिब्स और स्टर्नम जो है अपनी नॉर्मल पोजिशन पर आ गए ठीक है ना तो वापस चेस्ट नीचे चली गई ठीक है तो दोनों की वजह से क्या हुआ जो पल्मोनरी कैविटी है उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो गया और पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम रिड्यूस होने की वजह से प्रेशर बढ़ गया और यहाँ प्रेशर कम था तो हायर प्रेशर टू तो लोअर प्रेशर एयर क्या कर गई मूव करके समझ गए नेक्स्ट अपन देखते हैं रूट ऑफ एयर ड्यूरिंग एक्सपीरेशन अच्छा ये चीज भूलना मत यहाँ पे मैंने डायफ्राम का बताया साथ में एड कर लेना एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ठीक है ना ये भी साथ साथ यही है यहाँ पे डायफ्राम के साथ में ये ई आई सी एम भी जोड़ लेना नेक्स्ट है रूट ऑफ एयर ट्यूरिंग एक्सपीरेशन तो लिखा है एलवलाई यहाँ पे एलवलाई थी वही सेम उसका रिवर्स हो जाएगा एल्यूलाई से निकलेगा एलवलाई से फिर ब्रोंकियोल में जाएगा ब्रोंकियोल से वो ब्रोंकाई ब्रोंकाई से फिर आ, मतलब कहाँ जाएगा ट्रेकिया में ट्रेकिया से फिर लेरिंग्स लेरिंग से फिर फेरिंग्स फेरिंग से फिर नेजल कैविटी ये यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे पहले नेजल कैविटी आएगी और उसके बाद में एक्सटर्नल नोस्ट्रिल आएगा ठीक है ना फिर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल तो ये यहाँ पे ये इसका यहाँ पे आएगा ठीक है ये बाद ही आएगा तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना तो ये रूट रहता है अच्छा आपसे कुछ इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन में डिफरेंस के बारे में पूछा जा सकता है तो जब आपसे इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन के डिफरेंस के बारे में पूछा जाए तो आप क्या क्या बताओगे तो डायग्राम में भी है और आप देख करके नॉर्मली आप समझ चुके हैं तो बता सकते हो तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डायफ्राम वाले की ठीक है तो अपने को पता है कि जो डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस केस में उसकी शेप क्या हो जाती है फ्लैट हो जाती है यहाँ पे फ्लैट है लेकिन यहाँ पे अपन बात करते हैं एक्सपीरेशन के टाइम में डायफ्राम रिलैक्स होता है जिसकी वजह से वो कैसा कैसा हो जाता है आर्च या फिर डॉम शेप का हो जाता है तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया ठीक है दूसरा डिफरेंस अपन यहाँ पे बताते हैं जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसकी वजह से रिप्स और स्टर्नम क्या होती है राइज यानी ऊपर की तरफ उड़ जाती है तो एरो का डायरेक्शन आप देख सकते हो ऊपर की तरफ उड़ जाती है ठीक है लेकिन एक्सपीरेशन के टाइम में क्या होता है रिप्स और स्टर्नम रिलैक्स एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में रिलैक्सेशन की वजह से रिप्स और स्टर्नम जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर वापस आ जाता है तो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए तीसरा जो आप आ, बता सकते हो यहाँ पे वह आप बता सकते हो वॉल्यूम का थर्ड जो पॉइंट आप बता सकते हो वो वॉल्यूम का बता सकते हो ठीक है इंस्पिरेशन के टाइम में फॉरेसिक कैविटी एज वेल एज पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है जबकि यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता क्लियर देन आप बता सकते हो कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टर मसल यानी ई आई सी एम डायाफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए ए टी पी की रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है यानी ये कैसा प्रोसेस है एक्टिव प्रोसेस है जबकि यहाँ पे uh, जो एक्सपीरेशन वाली प्रोसेस होती है उसमें ए टी पी का यूज नहीं आता इसलिए कैसी प्रोसेस है ये पैसिव प्रोसेस है ठीक है और फिर लास्ट आप डिफरेंस बता सकते हो कि यहाँ पे बाहर की तरफ प्रेशर ज़्यादा होता है और अंदर की तरफ प्रेशर कम होता है तो एयर बाहर से अंदर की तरफ एंटर करती है जबकि यहाँ पे आप बता सकते हो अंदर की तरफ प्रेशर ज़्यादा होता है और बाहर की तरफ प्रेशर कम होता है तो बाहर एयर जो है वो अंदर से बाहर मूव करती है तो ये कुछ डिफरेंस जो है वो आप इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बारे में बता सकते ठीक है थैंक यू